वीडियो में आपने देखा था कि हम मैनचेस्टर से निकलकर केंडल लेक डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए थे और ये रहा अर्ली मॉर्निंग व्यू हमारे रूम से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे ट्रिप का सेकेंड डे है और हम लोग हैं अभी केंडल लेक डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए आज और कल दो दिन घूमेंगे लेक डिस्ट्रिक्ट। केंडल इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज ओनली 9 miles अवे फ्रॉम विंडमियर। हमारे होटल से केंडल रेलवे स्टेशन बस 4 से 5 मिनट की वॉकेबल डिस्टेंस के अंदर ही है। तो हम ब्रेकफास्ट के बाद पहुंच गए रेलवे स्टेशन। बस 10-12 मिनट की ट्रेन जर्नी और वो भी ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी के बीचों बीच एंड देन वी आर एट विंडमियर। लेक डिस्ट्रिक्ट में आप ड्राइव करके तो साइट सीइंग कर ही सकते हैं, इसके अलावा यू कैन एंजॉय एक्सप्लोरिंग बाय हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। तो हमने भी विंडमियर स्टेशन से बस लिया जो कि ओपन टॉप बस है। ओपन रूफ बस में चारों तरफ ग्रीनरी को एंजॉय करते हुए पहुंच गए हम बोनेस। और ये देखिए हमारे सामने द ब्यूटीफुल विंडमियर लेक। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बोट्स एंड क्रूज अवेलेबल है आपको राइड पे ले जाने के लिए। हमारे बच्चे सब बहुत छोटे हैं बोट राइड के लिए, तो हमने डिसाइड किया कि हमें क्रूज में ही जाना चाहिए एंड हियर वी आर इन आवर क्रूज। ये क्रूज हमें अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी को दिखाते हुए ले जा रही है लेक साइड पायर। ये देखिए लेक के साइड में कुछ हाउसेस भी दिख रहे हैं। चारों तरफ पानी, फिर ग्रीनरी और क्लीन स्काई, बीच बीच में कुछ स्पीड बोट्स भी। इन सारे चीजों का मजा लेते हुए ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के क्रूज जर्नी के बाद हम पहुंच गए लेक साइड पायर, जहां है एक और एक्साइटिंग चीज देखने को। और ये रहा सामने एक ट्रेन जो कि चलती है स्टीम इंजन के सहारे। ये देखिए वो स्टीम इंजन आ रही है ना, वो अटैच हो जाएगी इस ट्रेन के साथ और ले चलेगी हमें। इस ट्रेन का टिकट हमने क्रूज के टिकट के साथ ही बुक कर लिया था। जब आप बोट या क्रूज का टिकट बुक करोगे तो वहां ऑप्शन होता है स्टीम इंजन ट्रेन का कंबाइंड टिकट भी बुक करने के लिए। ये एक हेरिटेज रेलवे लाइन जो कि स्पेशली टूरिस्ट के लिए ही चलती है। ये स्टीम इंजन वाला ट्रेन की जर्नी अराउंड 10-15 मिनट्स की है और ये आपको ले जाएगी लेक साइड पायर से हावत वे। यहाँ डेस्टिनेशन जितना ब्यूटीफुल है उससे कई ज्यादा ब्यूटीफुल है ये सीनरीज जिसके बीचों बीच हम ट्रैवल करते हैं। जहां भी नजरें घुमाओ वो व्यू अमेजिंग होता ही है। यहाँ 12 से 15 मिनट के बाद हम पहुंच गए हावत वेट रेलवे स्टेशन।
यहाँ बच्चे खेलने के लिए एक पार्क है, कुछ स्नैक्स के लिए कैफे भी है और वही ब्यूटीफुल सीनरी चारों तरफ। कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद हम चले वापस उसी स्टीम इंजन ट्रेन का सफर करने, और ये ट्रेन हमें ले जा रही है लेक साइड पर, जहाँ से हम स्टीम इंजन ट्रेन से आए थे। लेक साइड फायर में नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के अलावा एक एक्वेरियम भी है जिसका नाम है लेक्स एक्वेरियम। बच्चे सारे एक्वेरियम देखने बहुत एक्साइटेड हैं, तो चलिए बच्चों के साथ हम भी एक क्विक टूर लेते हैं एक्वेरियम का। बाय द वे, ये एक्वेरियम के लिए टिकट अलग से बुक करना होता है, इसके टिकट क्रूज और ट्रेन के टिकट के साथ इंक्लूडेड नहीं है। एक्वेरियम का टूर भी हो गया और यहाँ कैफे में हम लोग कुछ पेट पूजा भी कर लिए। चलिए, हमारा क्रूज हमें वापस लेने आ गया है। सेम 40 मिनट्स का क्रूज राइड हमने एंजॉय किया अमेजिंग सीनरी के साथ और पहुंच गए जहां से सुबह स्टार्ट किए थे ये क्रूज राइड। अब यहां से आप चाहो तो वॉक करके एक्सप्लोर कर सकते हो, हमने भी वही किया। एक अम्यूजमेंट पार्क है जहां बच्चे कुछ एंजॉय किए और फिर सामने एक बड़ा सा पार्क है, तो हमने कुछ देर वॉक किया पार्क के अंदर और कुछ देर यहाँ बैठकर सामने लेक व्यू एंजॉय करते हुए रिलैक्स किया। वॉक करते करते ये देखिए, हमें एक बोट का शॉप दिखा जहाँ बोट्स सब सेल पर लगी हुई थी। मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था ऐसे बोट्स का शॉप। यहां से हम वही बस और उसके बाद ट्रेन का सफर करके पहुंच गए केंडल। The next day. Good morning everyone. Today is our last day in Lake District. And as usual, हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद निकल पड़े लेक डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा और एक्सपीरियंस करने, थोड़ा और एक्सप्लोर करने। ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं एक और अमेजिंग सी प्लेस, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी वहां पहुंचने के बाद। तब तक ये जर्नी और ये सीनिक ब्यूटी को आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। हम आके पहुंच गए हैं लेवेंस हॉल पार्क। ये पार्क बहुत काम एंड क्वाइट है,
एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड टाइमलेस सीनरी आई हैव एवर सीन। इतनी बिजी वर्ल्ड में ये जगह एक हेवन जैसा ही फील दे रही है। ये एक्चुअली एक वाइल्ड लाइफ पार्क है जहाँ पे बहुत सारे डियर और कुछ अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ भी दिखने को मिलेगी इट सीम्स। तो चलिए आगे जाके देखते हैं डियर या फिर कोई और जानवर भी दिखने को मिल रहे हैं कि नहीं। बट उसके लिए हमें चुपचाप बिना शोर मचाए आगे जाना होगा। ये है रिवर केंट। तो चलिए नीचे पानी के पास चलते हैं। ये देखिए सामने डियर दिख रहे हैं, बट ज्यादा पास नहीं जा सकती मैं, नहीं तो भाग जाएंगे सब। थोड़ा बहुत बातचीत हमने कर लिया और बच्चे भी एक्साइटमेंट में शोर मचाने लगे और देखो सारे डियर भाग गए यहाँ से। अब इन्हें देख लीजिए, ब्रिटेन का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रेयर ब्रीड ऑफ गोट। बहुत ही डिफरेंट दिख रहे हैं, बॉडी बिल्कुल वाइट और फेस ब्लैक। आगे और भी बहुत कुछ है देखने के लिए लेवेंसहॉल पार्क में, बट हमारे पास टाइम कम है और हमें वापस लंदन भी जाना है आज, इसलिए हम यहीं से वापस जा रहे हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो एक फुल डे का प्लान रखिए ताकि यहाँ का गार्डन जरूर देख सकें। हमें तो गार्डन जाने के लिए टाइम नहीं है तो हमें वो एक्सपीरियंस मिस करना पड़ा इस बार। लेवेंस हॉल से वापस हम कैंडल आ गए और लंच के बाद कैंडल कैसल पहुंच गए। कैंडल कैसल के लिए आपको 15-20 मिनट की एक ट्रेक करके हिल के ऊपर तक पहुंचना होगा। हम जल्दी में थे फिर भी वो एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहते थे, तो पहुंच गए हम कैसल के पास और ये देखिए अमेजिंग व्यू चारों तरफ।
यहाँ से हम निकल पड़े सीधा होटल और लगेज लेकर पहुंच गए स्टेशन टू बोर्ड आवर ट्रेन टू लंदन। ये ट्रिप तो यहीं एंड हो गया, बट ये जगह की ब्यूटी हमेशा हम याद करेंगे। आप बताइए आपको हमारी ये ट्रिप कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।